नमस्कार, आईसीबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खास खबरों के साथ मैं हूं सोनल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बड़ौदा शहर में देश की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो चुकी है, जिसका लोकार्पण केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के वरदहस्तों से किया गया था। बड़ौदा शहर के प्रतापनगर विस्तार में स्थित रेलवे स्टाफ कॉलोनी संकुल में लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस यूनिवर्सिटी का खात मुहूर्त 5 दिसंबर 2017 को किया गया था। राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन संस्थान की भव्य यूनिवर्सिटी वाकोड़ा रोड पिपलिया के पास विशाल जगह पर 421 करोड़ के खर्च पर तैयार की जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री ने इस रेल यूनिवर्सिटी को विश्व को भव्य वारसा बताया था। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस यूनिवर्सिटी के बदले हमारे वड़ा प्रधान जी का आभार व्यक्त किया था। साथ ही रेल यूनिवर्सिटी एवं बुलेट ट्रेन स्टॉपेज सहित के महत्व के आयाम के तहत देश के परिवहन क्षेत्र में बड़ौदा का विशेष महत्व रहा है, इस बात पर भी गौर फरमाया था। सर्वप्रथम नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी आज लोकार्पण गुजरात की धरती ऊपर वडोदरा खाते आज जे थयुं छे ए माटे रेलवे मंत्रालय मंत्री पीयूष गोयल जी, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई आ बधाने अभिनंदन साथे एनो आभार पण मानू छू। कारण के सेटिंग न्यू इंडिया, नया भारत ना निर्माण माटे वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी नी जे कल्पना छे के दरेक व्यवस्थाओं ए माइंडसेट बदलावीने आधुनिक बनावीए अने वर्ल्ड क्लास आ बधी व्यवस्थाओं बने। बड़ौदा में देश की प्रथम रेल तथा परिवहन संस्था के लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री जी तथा सांसद श्री रंजन बेन भट्ट एवं रेलवे बोर्ड सभ्य सहित के अधिकारी एवं स्थानिक धारा सभ्य तथा कलेक्टर श्री शालिनी बेन अग्रवाल सहित के सभी महानुभव उपस्थित रहे थे। हमारे लिए खुशी की बात है, हम सबके लिए, कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कल्पना थी के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे भी विशेषकर ध्यान देते हुए उसकी शिक्षा में हम बच्चों को तैयार करें। आज विश्व में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ने बहुत नई नई शोध किया है, इनोवेशन किया है, बहुत डेवलपमेंट और रिसर्च का काम लॉजिस्टिक्स में चल रहा है और ऐसी स्थिति में रेलवेज पीछे नहीं रहनी चाहिए। रेलवेज में भी आधुनिकीकरण हो, रेलवेज में भी नई टेक्नोलॉजीज का लाभ मिले, इस दिशा में पहली रेल यूनिवर्सिटी वडोदरा में लगी है, उसका आज लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी ने किया। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से तैयार किए हुए विद्यार्थी, और मुझे तो बड़ी आनंद हुई देखते हुए कि 17 लड़कियों ने भी इसमें एडमिशन ली है और ये सब तैयार हो रहे हैं भारत के रेलवे को के भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए। ये यूनिवर्सिटी अच्छा काम करेगी, ये यूनिवर्सिटी आगे चल के देश में नई नई टेक्नोलॉजीज लाने में मदद करेगी, नए काम करने के ढंग आएंगे और वास्तव में जो भारतीय रेल को नई दिशा के तरफ लेके जाना है, नया स्वरूप देना है, इसमें बहुत बड़ा योगदान आगे चल के इस यूनिवर्सिटी का होगा। जो बनने वाली है यूनिवर्सिटी कितने का है? जो लगभग 100 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने हमें दी है, नज़दीक में ही है, या तो वो एक साइट हो सकती है या एक दो और साइट्स के ऊपर भी चर्चा है। एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लग रही है आपके यहाँ पे, उसके पास भी हम कुछ देख रहे हैं जमीन। एक बार
पाँच साल का अगर हम देखें तो लगभग 421 करोड़ रुपए का निवेश इस यूनिवर्सिटी के ऊपर होने जा रहा है। बड़ौदा शहर के गुरवा पंचवटी से निकलती नर्मदा कैनाल में दो युवकों के डूबने की खबर सामने आई है, जिसमें से एक युवक का शव खोज निकालने में फायर टीम को सफलता मिली है, जबकि एक युवक अभी भी लापता है। बड़ौदा शहर गुरवा पंचवटी से निकलती नर्मदा कैनाल में दो युवक हाथ पैर धोने के लिए नीचे उतरे थे, तभी पैर फिसलने पर दो युवक इस कैनाल में डूबे थे। इस बात की सूचना मिलते ही फायर टीम घटनास्थल पर पहुंच गई थी और एक युवा के शव को ढूंढ निकाला गया है, जबकि एक और युवा अभी भी लापता है। फायर टीम उसको खोज निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। धोने आ गए सर। फिर क्या हुआ? कपड़े धोने के बाद मैंने बोला उसको ठीक है, तो मैंने हाथ पैर धो लेते हैं। हाँ, यहाँ पे लेडीज लोग सब कपड़े धो रहे थे, वो यहाँ पे मालूम नहीं था कि उसके बाद जो उसने हाथ पैर धोने लगा उसका पैर फिसल गया, उसको तैरना नहीं आता था, तो उसको मैं अंदर गया बचाने के लिए, मेरे को तैरना आता था पर उसने मेरी गर्दन पकड़ ली, तो मैं भी अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने मेरी गर्दन छोड़ दी, पता नहीं इधर से उधर हो गए हम दोनों, फिर एक इस साइड में आया एक उस साइड में आया। उसके बाद उसने जो दूसरा लड़का था उसने उसको हाथ दिया, उसने उसका हाथ पकड़ के खींच लिया। दूसरे यहाँ पे जो कपड़े धो रहे थे उन्होंने कुछ देखा नहीं, यहाँ पे कपड़े धो रहे थे उन्होंने कुछ बताया बचाया नहीं, आवाज किया कुछ बताया नहीं, यहाँ पे कपड़े धो रहे थे उसने भी सामने की सही। हाँ, तो वहाँ लोग सब लेडीज थे सब लोग। हाँ, तो फिर आपने क्या किया? आवाज दिया सब वो लोग आए कुछ नहीं आया। क्या नाम है आपका? दीपक। साबरकांठा जिला प्रांतीय की शांतिनाथ एवं गोपीनाथ सोसाइटी में पिछले एक महीने से पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने पालिका में हंगामा मचाया था। प्रांतीय रेलवे स्टेशन विस्तार में स्थित शांतिनाथ सोसाइटी एवं अप्रोच रोड पर स्थित गोपीनाथ सोसाइटी में पिछले एक महीने से रहिश प्राथमिक सुविधा से वंचित है। यहाँ के रहिशों को पिछले एक महीने से पानी जैसी प्राथमिक सुविधा पालिका के द्वारा नहीं दी जा रही है, जिसे त्रस्त दोनों सोसाइटी की महिलाओं ने आज प्रांतीय नगर पालिका में हंगामा मचाया था। दोनों सोसाइटी की महिलाओं ने आज पानी दो के नारे लगाकर पालिका में सूत्रोच्चार किए थे, तब नगर पालिका चीफ ऑफिसर विशाल पटेल एवं अधिकारी गण ने इस समस्या का उकेल लाने का आश्वासन देकर मामले को शांत किया था। मोड़ासा सहित जिले में चार नाश्ते के ठेले पर घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किए जाने की शिकायत के आधार पर पूर्वठा विभाग ने चार नाश्ते के ठेले पर छापे मारे। नायब मामलतदार और पूर्वठा विभाग को मिली शिकायत के आधार पर शहर के विविध विस्तारों में स्थित चार नाश्तों के ठेले पर छापे मारे गए, जिसमें दो नाश्ते के ठेलों पर करीबन तीन जितने गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। ऑल इंडिया एंटी करप्शन बोर्ड के द्वारा दिए गए आदेश पर यह रेड की गई थी, जिसमें सरप्राइज चेकिंग के तौर पर चाय नाश्ते के ठेले पर जांच की गई थी और घरेलू गैस सिलेंडर को चाय नाश्ते के ठेले पर इस्तेमाल करने के तहत उनके सिलेंडर जब्त किए गए थे। इस गैरकानूनन प्रवृत्ति की शिकायत के चलते आगे भी यह जांच जारी रहेगी। बड़ौदा जिला छाणी गांव में माँ खोड़ियार के प्राण प्रतिष्ठा एवं बाबा सीताराम की छवि की स्थापना के हेतु भव्य डायरी का आयोजन किया गया था। इस भव्य कार्यक्रम को लोकप्रिय गायिका एवं खूबसूरत अभिनेत्री किंजल दवे एवं लोक गायक जिग्नेश कविराज ने चार चांद लगाए थे। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे थे और इन दोनों की आवाज की लहर में झूम उठे थे। यह सुंदर आयोजन 79 के संचालक कुंजन पटेल के द्वारा किया गया था। उनके द्वारा भव्य महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया था। खोड़िया
ગામ દ્વારા આવ્યું છે. અહીંયા ખોડિયાર માતાના મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા અને બાપા સીતારામના ફોટાનું આવતીકાલે પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી હતી અને તેના શિવન વિલાના માલિક કુંદનભાઈ પટેલ તરફથી ભંડારો પણ અહીંયા રાખવામાં આવ્યો હતો. ખૂબ મોટી સંખ્યામાં દરેક ભાવિક ભક્તોએ ભંડારમાં પ્રસાદીનો લાભ લીધો અને આજરોજ કિંજલ દવે અને જિજ્ઞેશ કવિરાજનું ભવ્ય ડાયરાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એ બદલ ફરીથી અહીંના આયોજક શ્રી કુંદનભાઈ પટેલનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. જય માતાજી. જય બાપા સિંહ. વિધાનસભા અધ્યક્ષ રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી કે દ્વારા વોર્ડ નંબર 14 કે વિસ્તાર મેં માકાર કેમ્પ કા આયોજન કિયા ગયા થા. લોગો કો સહાયરૂપ હોને કે ખાસ ઉદ્દેશ્ય સે યહ કેમ્પ આયોજિત કિયા ગયા થા. અબ તક હર બાર 5000 જિતને પરિવારો કો માં કાર્ડ કા લાભ દિયા ગયા હૈ. આજ ભી કરીબન 4600 જિતને લાભાર્થીઓને માં કાર્ડ કેમ્પ સે માં કાર્ડ બનવાયા. ઇસ કેમ્પ આયોજન કે બદલે માનનીય રાજેન્દ્ર ત્રિવેદીજીને કાર્યક્રમ એવં લોગો કા આભાર વ્યક્ત કિયા થા. વોર્ડ નંબર 14 કે સામાજિક કાર્યકરો કી કડી મહેનત સે યહ સબ હો પાયા હૈ. ઉનકી સુચારૂ વ્યવસ્થા ઓર મહેનત કો દાદ દેતે હુએ ઉન્હોને ઉનકો અભિનંદન દિયા થા. હજારો લોગો કો સહાયરૂપ હોને કે ઉદ્દેશ્ય સે યહ કાર્યક્રમ આયોજિત કિયા ગયા થા. લોકોને કઈ રીતે મદદરૂપ થઈ શકાય. અગાઉ વોર્ડ નંબર 16 ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 16ની અંદર લગભગ 5000થી પણ વધુ પરિવારોને આ માં કાર્ડનો લાભ આપણે અપાવ્યો. એક દિવસમાં 5000 માં કાર્ડ કર્યા હતા, એ અગાઉ 1000 માં કાર્ડ કર્યા હતા અને આજે 4600થી વધુ માં કાર્ડ ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 14ની અંદર કાર્યકર્તાઓ જે છે રાજકીય બિન રાજકીય તમામે ભેગા થઈ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ પણ એમાં ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો છે અને એક મહિનો સતત એ લોકોએ કામ કર્યું છે. સવારના 3 કલાક, સાંજના 3 કલાક બેસી અને ફોર્મ ભર્યા છે. ત્યારે આજે એક દિવસની અંદર આ 4600 માં કાર્ડ તૈયાર થવા જઈ રહ્યા છે. લોકો પણ ખૂબ સહકાર આપી રહ્યા છે, કાર્યકર્તાનો અને એનો સહકાર મળ્યો છે અને આખે આખી વ્યવસ્થા એવી કરી છે, સુચારુરૂપ વ્યવસ્થા કરી છે કે જેથી જરૂરિયાતમંદ લોકોને એનો લાભ પહોંચે. હજારો લોકોને આ રીતે જે લાભ પહોંચે એ અમારી નેમ છે અને આજે પણ આપ જોઈ શકો છો કે સેંકડોની સંખ્યામાં મારા પરથી અને વ્યવસ્થા એવી કરી છે કે દરેકને નંબર આપેલા છે, એ નંબર વાઇઝ જ આવે છે અને એમને શાંતિથી બેસી અને માં કાર્ડ કઢાવવાનું છે. ઊભા રહેવાનું પણ નથી, પાણીની પણ વ્યવસ્થા છે, ડૉક્ટરોની પણ વ્યવસ્થા એ રાખવામાં આવી છે કારણ કે સિનિયર સિટીઝન આવતા હોય કોઈને મુશ્કેલી ન રહે. ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું હું વોર્ડ નંબર 14ના સામાજિક કાર્યકર્તાઓને, ખૂબ અભિનંદન આપું છું રાજકીય કાર્યકર્તાઓને. ધન્યવાદ. વાકોડિયા જીઆઈડીસી પરમાર પ્લાસ્ટિક કંપનીમાં આગ લગ્નની ઘટના સામે આવી હૈ. ઇસ આગમાં લાખો કા નુકસાન હુઆ હૈ. પ્રાથમિક માહિતી કે મુતાબિક કંપની મેં શોર્ટ સર્કિટ કી વજહ સે આગ લગી હોને કા અનુમાન લગાયા જા રહા હૈ. ઇસ કંપની મેં ફાયર સેફ્ટી કે સાધનો કે અભાવ સે આગ ને ઇતના પ્રચંડ રૂપ ધારણ કિયા થા. આગ મેં કંપની કો લાખો કા નુકસાન હુઆ હૈ. સભી પ્લાસ્ટિક કા સામાન જલકર ખાક હો ગયા થા. ગેલ ઇન્ડિયા એવં બડોદા કે ફાયર ફાઈટરો ને ઘટના સ્થળ પર જાકર આગ પર કાબૂ પાયા થા. આગ કે ચલતે અફરાતફરી મચ ગઈ થી, જબકી ઇસ ઘટના મેં કિસી કો ભી જાનહાનિ નહીં હુઈ હૈ. ફોન કોલ અમે રિસીવ હુઆ ઓર હમ લોગ તુરંત પ્રોમ્પ્ટ એક્શન લીએ ઓર હમ અપની ગાડી ફાયર ટેન્ડર કો ટર્ન આઉટ કિયે ઓર સાઇટ પે પહોંચને કે બાદ યહાં પાયા ગયા કે પીવીસી દાનો મેં આગ લગી થી, જો કેમિકલ ફેક્ટરી થી ઉસમે આગ લગી થી ઓર આગ કાફી ચારો તરફ ફેલ રહી થી. તો ફિર હમ લોગોને ઉસકે ઉપર પાણી કા શરૂઆત મેં તો પાણી કા સ્પ્રે કિયા લેકિન વો કંટ્રોલ નહીં હો રહી થી, કંટ્રોલ સે બહાર હો રહી થી. તો ફિર હમને
अपने लोगों को आदेश दिया कि फोम का स्प्रे किया जाए और केमिकल फोम का स्प्रे करके आग पे काबू पाया गया और किसी भी तरह का फिजिकल नुकसान नहीं हुआ लोगों का। प्रॉपर्टी का थोड़ा नुकसान हुआ है, वो भी काफ़ी कम मात्रा में हुआ है, ज़्यादा नुकसान होने से हम लोगों ने बचा लिया। थैंक यू। आपकी गाड़ी कहाँ से आई, कौन सी कंपनी में से आई है? कौन सी? गेल इंडिया लिमिटेड में है और वहीं से गाड़ी आई है। कॉरपोरेशन की गाड़ी तो काफ़ी बाद में आई क्योंकि वो काफ़ी दूर बड़ौदा से चलकर आई है तो उसको आने में टाइम लगा, उनके आने के पहले हम लोगों ने आग पे काबू पा लिया। बड़ौदा शहर में सयाजी क्रीडा महोत्सव 2018 के तहत कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। हिंद विजय जिमखाना को 100 साल पूर्ण होने की खुशी में यह टूर्नामेंट आयोजित की गई थी जिसका शुभारंभ माननीय मेयर श्री जिगिसाबेन के वरदहस्तों से किया गया था। सयाजी क्रीडा महोत्सव 2018 के तहत महाराष्ट्र क्रीडा मंडल में यह टूर्नामेंट आयोजित की गई थी। इस टूर्नामेंट में 35 जितनी टीमों ने हिस्सा लिया था जिसमें 20 जूनियर टीम, 10 सीनियर टीम एवं 5 लड़कियों की टीम का समावेश किया गया था। महाराष्ट्र क्रीडा मंडल की स्थापना से ही यहाँ पर आउटडोर गेम्स की प्रवृत्ति आयोजित की जाती है। महाराष्ट्र क्रीडा मंडल में सयाजी क्रीडा महोत्सव अंतर्गत जो हिंद विजय जिमखाना के सेंटनरी ईयर यानी 100 साल हुए हैं, इसमें बड़ौदा एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा कबड्डी की गेम खेली जाने वाली है। करीबन 20 जूनियर, 10 सीनियर और 5 लड़कियों की टीम, यहाँ नियरली 35 टीम पार्ट लेने वाली है। यहाँ ये महाराष्ट्र क्रीडा मंडल की जब से स्थापना हुई है 1965 से, तब से यहाँ ये सब आउटडोर गेम्स की प्रवृत्ति चलती है। सर सयाजी राव की भी एक भावना थी, सो इनके लिए खूब, जिसे बोलते हैं कि शहर के विविध भागों में उन्होंने एक ओपन ग्राउंड यानी अखाड़ा जैसा रखा था जिसमें चिल्ड्रन कैन गो एंड वो लोग खेल सकते हैं, ऐसी सुविधा भी उन्होंने दी थी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी जब चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने भी ये एक खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई ने भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी 2-3 जगह पे शुरू की हुई है और साथ में स्पोर्ट्स में एनकरेजमेंट मिले उस मुताबिक स्कूलों में भी, बहुत सारी स्कूलों में स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है और रेसिडेंशियल स्कूल्स भी बनाई है। यहाँ पे जो बच्चे खेलने आएंगे, खुली हवा में खेलेंगे, उनकी फिजिकल कैपेबिलिटी तो बढ़ती है, साथ में उनकी मेंटल स्ट्रेंथ भी इतनी मजबूत होती है क्योंकि गेम खेलने में जो क्विकनेस होती है, जो सामने वाले को मात करने की एक मन में ठान ली हुई होती है, हम जीते या न जीते ये महत्वपूर्ण नहीं है, मगर खेल कूद में पार्ट लेना ये एक महत्व की बात है। इनसे इनका मानसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और जो बच्चा यहाँ खेलता है उसकी मानसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और वो भी राष्ट्र के विकास में, स्वास्थ्यपूर्ण राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देता है। अस्तु, वंदे मातरम, जय जय करवी गुजरात। इसी के साथ ICB न्यूज में आज इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। जय हिंद।